हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया है। CBSE और ISC के देरी से घोषित हुए 12वीं के नतीजों के चलते तिथि बढ़ाई गई है। इसी को देखते हुए सोलन महाविद्यालय में भी 5 अगस्त तक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। सोलन महाविद्यालय के ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल राजेंद्र वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सोलन महाविद्यालय में भी 5 अगस्त तक स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक प्रथम वर्ष के लिए बच्चे आवेदन कर सकते हैं, वहीं 6 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, वहीं 8 अगस्त को पहली काउंसलिंग होगी, वहीं 10 अगस्त को सेकंड और 12 अगस्त को तीसरी बार काउंसलिंग की जाएगी। वीरेंद्र वर्मा हूं और वर्तमान में सोलन महाविद्यालय में ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा हूं। राजकीय महाविद्यालय जो सोलन है उसकी जो एडमिशन्स हैं, जो प्रवेश होता है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार होता है, और अभी जो प्रथम वर्ष का जो प्रवेश है उसकी तिथि जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 5 अगस्त तक। 5 अगस्त तक हमारा ये एडमिशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा, और हमारी जो पहली जो मेरिट लिस्ट है बच्चों की वो 6 अगस्त को जारी हो जाएगी, और फिर उसके बाद हमारा जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो 8 अगस्त से जो वो प्रारंभ होगा। 8 अगस्त के दिन हमारी पहली जो काउंसलिंग होगी बच्चों की, और काउंसलिंग के बाद बच्चों को समय दिया जाएगा कि वो अपनी अपनी जो फीस है वो जमा करवाएं। और सोलन महाविद्यालय में ये जो फीस है, फीस और एडमिशन का जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन है, एडमिशन भी ऑनलाइन हो रही है, और उसके बाद जो हमारी जो फीस है वो भी ऑनलाइन ही जमा होगी। सेकंड जो हमारी काउंसलिंग है वो 10 अगस्त को होगी, और जो थर्ड जो काउंसलिंग है हमारी वो 12 अगस्त को होगी। सिज 15 अगस्त के बाद यानी कि 16 अगस्त से ही प्रारंभ हो पाएगी, क्योंकि इस बीच हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो कार्यक्रम भी हमारे जो प्रारंभ होने वाले हैं, ये भी इसी बीच हम लोगों ने करने हैं, और कुछ 15 अगस्त से पहले कुछ अवकाश भी हैं, इसलिए जो वो क्योंकि ये तो प्रथम जो है वो चरण है एडमिशन्स का, उसके बाद भी जो एडमिशन का जो प्रोसेस है अगर हमारी सीट्स जो है वो अगर खाली रहती हैं तो एडमिशन का प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा, परंतु 16 अगस्त से हमारी नियमित जो क्लासेज हैं वो अभी लगाने का जो कार्यक्रम है।